जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रोजेक्ट के तहत जो है वो जम्मू में इम्प्रूवमेंट्स की जा रही है, चाहे वो रोड्स को लेकर हो, चाहे नए नए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। इसमें आप लोगों को मैंने वर्टिकल गार्डन भी दिखाया था जिसका इनॉग्रेशन हुआ था, जहाँ पे फाउंटेन है, लाइटनिंग है, प्लांट्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर आप जम्मू से बाहर चले जाओ, अमृतसर चले जाओ या चंडीगढ़ चले जाओ, वहाँ पे आप आई लव चंडीगढ़ या आई लव अमृतसर जैसे जो कुछ ऐसे दिखने वाले बोर्ड्स होते हैं वो आप लोग वहाँ देखते हैं, और आप लोग उस चीज़ के आगे जो है काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और उनके साथ जो है वो पिक्चर्स खिंचवा के अपलोड करते हैं कि एक वो साइन रह जाता है कि आप जो है इस स्टेट में जाके या इस जगह पर जाकर जो है आप घूम कर आए हैं। तो अब आप लोग अगर जम्मू आते थे तो जम्मू के लिए आप लोगों को सिर्फ लोकेशन डालनी पड़ती, लेकिन अब जम्मू आके हर कोई जो है यहाँ पर ज़रूर सेल्फीज़ जो हैं वो लेगा और यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करवाएगा। एंड ऑल्सो कल से ये जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है और लोग जो है यहाँ पर आकर बहुत सारे पिक्चर्स जो है वो क्लिक करवा रहे हैं, और अभी भी कुछ लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं और हर कोई जो है यहाँ पर अपनी गाड़ी रोक कर जो है इस चीज़ को अट्रैक्शन जो है वो दिखा रहा है, और अभी भी कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं ये जो व्यू है। और जो जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जो आई लव जम्मू का यहाँ पर ये इनॉग्रेशन किया गया है, और आप लोग जानते हैं डोगरा चौक से केसी चौक तक जो है जितने भी रोड्स हैं यहाँ पर नए नए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, इन जगहों को इम्प्रूव जो है वो भी किया जा रहा है। और अभी लोग जो है यहाँ पे आकर अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद अहमद। कहाँ से आए आप? मैं एक्चुअली पुंछ से आया हूँ। कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप जम्मू आए और यहाँ पर आपको स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जो है आई लव जम्मू का बोर्ड यहाँ देखें? कोई भी अगर आए यहाँ पे तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है यहाँ पे देखने के लिए। और हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमें पता नहीं था कि यहाँ पे ये आइकन वगैरह लगा हुआ है आई लव यू जम्मू, तो बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। हमने फोटो वगैरह भी क्लिक करी है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा अनुभव है यहाँ पे हमारा। कितना अच्छा लगता है आपको जम्मू और जम्मू की वादियाँ जो है, क्योंकि हर कोई जो है जम्मू कश्मीर की खूबसूरती देख के जो है वो मोह जाता है? हाँ बिल्कुल, देखें जो जम्मू है आस्ता आस्ता डेवलप हो रहा है और ऐसी चीज़ें लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी यहाँ पे। और जैसे कि आप टूरिस्ट की बात करें तो टूरिस्ट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए ऐसी चीज़ों से, और मैंने देखा काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ। पहली बार आए हैं आप? नहीं, पहले भी आया हूँ, ऐसी बात। तो पहले में और अब में जो इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि नए नए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, क्या कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? हाँ, काफ़ी डिफरेंस है। जैसे आप ये देख लें, यहाँ से सामने बस स्टैंड है हमारा, ये इतना अच्छा डेवलप हो गया यहाँ पे। पहले अगर आते थे हम यहाँ पे तो गाड़ी पार्क करने के लिए हमें जगह नहीं थी, और आस्ता आस्ता अब जम्मू डेवलप हो रहा है, अब दिख रहा है कि डेवलप हो रहा है जम्मू। अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की अभी ज़रूरत है? हाँ, ऐसी बहुत सारी जगह हैं क्योंकि टूरिस्ट हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि आस्ता आस्ता इन टूरिस्ट प्लेस को लोगों के लिए थोड़ा अच्छा और बेहतर करें, यहाँ पर डेवलप करें। जी, तो टूरिस्ट लोग यहाँ पर आए, इनका भी कहना है कि हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, हमें नहीं पता था कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर जम्मू में शुरू किया गया है, और ये लोग भी यहाँ से निकल रहे थे और इस चीज़ को देखकर काफ़ी अट्रैक्ट हुए और यहाँ पर रुककर अपने सेल्फीज ली, पिक्स जो है वो खिंचवाई, और लोग जो है इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो है वो काम जो है वो तेज़ी से शुरू कर दिया गया है, जिसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हैं, वर्टिकल गार्डन हो गया, रोड्स इम्प्रूवमेंट हो गई, यहाँ बोर्ड्स लगाने जिससे लोगों को पता लग जाए कि कौन सी लोकेशन जो है कहाँ पर होगी, इन सब चीज़ों से जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और टूरिस्ट जो है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितना टूरिस्ट आता है और लोग जो है यहाँ पर कितना घूमना पसंद करते हैं, और इसीलिए आप लोकल्स के साथ साथ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लाए जा रहे हैं। चाहे आप लोग बस स्टैंड देखते थे, अभी बस स्टैंड जो है वो कितना अच्छे तरीके से जो है यहाँ बना दिया गया है, और लोग इस चीज़ को भी देखकर अट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ पर गाड़ियाँ रुकनी भी जो है वो शुरू हो चुकी हैं, ताकि लोग यहाँ पर रुक कर जो है वो सेल्फीज ले, पिक्स क्लिक करवाए, ताकि और भी लोगों को यहाँ पर पता लगे। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग यहाँ से निकलते हैं, आप लोग भी इस यहाँ पर पिक ज़रूर खिंचवाएँ और अपने जम्मू को जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि जम्मू शहर ही ऐसा है कि हर कोई जो है उसे
जम्मू में हर चीज़ जो है वो पसंद आती है, और अब ऐसी चीज़ें भी जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि यूजली ये चीज़ें जो है लोग जम्मू से बाहर जाके देखते थे और वहाँ पे पिक्स क्लिक करवा कर जो है वो अपलोड करते थे, लेकिन अब आप लोग ऐसे कुछ सिनारी जो है वो जम्मू में भी देख सकते हैं। और जम्मू जो है जिसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है वो एक्चुअल में स्मार्ट सिटी के जो रास्ता है उस पर निकल गया, और बहुत से प्रोजेक्ट्स जो है वैसे शुरू कर दिए गए हैं। आपको परेड से भी मैंने तस्वीरें दिखाई थी जहाँ पर पार्किंग स्लॉट्स बनाए गए थे, काफ़ी अट्रैक्टिव पार्किंग स्लॉट थे, और अभी आई लव जम्मू का प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर लाया गया है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। तो आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा, और देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस।